I gave you my heart. Hello friends, welcome to my new vlog Allrounder RAKHI. आज मैं आपको लेकर आई हूँ फिश पकौड़ा. फिश के पकौड़िया बनाना सिखाऊंगी आपको, किस तरीके से बनाऊंगी और मुझे उसके लिए क्या क्या चाहिए. उससे पहले, किचन में चलने से पहले, मैं आपको, मैंने अपने हस्बैंड के लिए कल कुछ लिखा है वो आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा. उनकी खुशी में मेरी खुशी शामिल हो गई, उनकी खुशी में मेरी खुशी शामिल हो गई, जब से मैं उनके साथ साथ फेरों में बन गई. जब से मैं उनके साथ साथ फेरों में बन गई, ये पता ही नहीं चला मैं मैके को कब भूल गई. ये पता ही नहीं चला मैं मैके को कब भूल गई, जब से उनके साथ मेरी हर बात जुड़ गई. जब से उनके साथ मेरी हर बात जुड़ गई, रिश्ते निभाते निभाते मैं कब खो गई. रिश्ते निभाते निभाते मैं कब खो गई, जब से तुम्हारी मुझ में हर बात आ गई. जब से तुम्हारी मुझ में हर बात आ गई, उनके साथ 22 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए. उनके साथ 22 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए, वो उधर बदल गए मैं इधर बदल गई. वो उधर बदल गए मैं इधर बदल गई. भी मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा. जो डिश मैं बना रही हूँ आपको जरूर पसंद आएगी, फिश की पकौड़े. चलिए मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ. देखिए फिश पकौड़ा बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए दिखाती हूँ आपके लिए. ये देखिए फ्रेंड, मुझे फिश पकौड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. ये एक कटोरी चावल लिए हुए हैं, ये बेसन है 2 चम्मच, और ये मक्के का आटा है 1 चम्मच, और ये ऑरेंज कलर है ये, और ये चावल जो है मैंने भिगो के रखे हुए हैं देखिए 1 कटोरी. इसमें मैं ये लहसुन छील के इसमें मैं पीसूंगी. इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर इसको पीसूंगी मैं अभी मिक्सी में. और ये मैंने हरा धनिया और टमाटर प्याज लिया हुआ है, इसकी मैं चटनी और सलाद बनाऊंगी इसकी पकौड़े के साथ खाने के लिए. देखिएगा मैं फिश पकौड़े किस तरह बनाती. देखिए फ्रेंड्स, मैं ये चटनी की तैयारी करती हूँ. ये मैंने धनिया लिया है, इसमें मैंने टमाटर डाला है और लहसुन भी कुछ कली खा डाली हुई है, हरी मिर्च डाली है और खटाई नमक. इसको मैं पीसूंगी. और ये देखिए मैंने प्याज रखा हुआ है, मैं इससे बारीक बारीक, इससे गोल छल्ले वाला कटेगा, इसको काटूंगी और इसमें चटनी मिलाऊंगी. इसके सलाद तैयार करूंगी मैं अभी. अभी दिखाती हूँ आपको पीसने के बाद ये कैसी हो जाती है. ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये चटनी पीस ली है और ये साल प्याज काट के रखा हुआ है. इसमें अब थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको मैश करूंगी, थोड़ी सी चटनी इस तरीके से. देखिएगा ये, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिश है. ये फिश देखिएगा, खाल नहीं है इसमें, खाल के बिना कटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई है ये. ये देखिए, ये मैंने नमक लगा के धोई हुई है. इसमें मैं देखिए ये 1/2 किलो फिश है. देखिए उसमें ये बेसन डालती हूँ, ये थोड़ा सा मक्के का आटा डालती हूँ. देखा, थोड़ा सा ये कलर है, ये नमक स्वाद अनुसार. ये देखिएगा, ये चावल और लहसुन और मिर्च और अदरक का पेस्ट है. ये देखिएगा मैंने पीस के रखा हुआ था. देखिए अब इसको मैं इस तरीके से ये मिलाती हूँ और इसको 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, जिससे इसमें नमक अंदर तक फिश में चला जाए. और ये चावल का ये मैंने आटा जो पीस के डाला है, ये बहुत ही इससे करारी और कुरकुरी बनेंगी. ये देखिएगा, देखिए मैंने इधर कढ़ाई गरम करने रख दी है अपने, तेल डाल के. ये देखिए अब इसमें मैं डालती हूँ. ये देखिए मैं फिश एक एक करके इसमें इस तरीके से डालती हूँ.
फ्रेंड्स, ये पकौड़ी देखिए इसकी कितनी बढ़िया सिक गई है, मिक्स सिक चुकी है। अब इसको मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से इसमें प्लेट में निकालती देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया, देखिएगा देखिए ये देखिएगा ये चावल का आटा पड़ने से कितनी कुरकुरी क्रिस्पी बनती है, ये देखिएगा ये देखिए देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, ये मेरी फिश पकौड़ी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Like a hell cat.